टीनेजर लड़की जिसने अकेले ही पूरा सिस्टम हिला डाला। दरअसल साल 1998 में 14 साल की नताशा को उसकी मोम ने स्कूल छोड़ा और उस दिन के बाद से वो कभी घर लौटकर ही नहीं आई। उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर नताशा को ढूंढने की बहुत कोशिशें की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला और नताशा को ढूंढते ढूंढते एक साल से ज्यादा बीत गया। सभी को लग रहा था कि नताशा हमेशा के लिए जा चुकी है। तभी एक लोकल सीरियल किलर ने ये कन्फेस किया कि उसी ने नताशा को मारा है, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स पूरी तरह से टूट गए। फिर 4 साल बाद नताशा मर्डर केस का कोर्ट में ट्रायल शुरू किया गया लेकिन इसी ट्रायल के बीच में पुलिस प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि इस किलर ने नताशा को नहीं मारा और 5 साल बाद लोगों को पता चला कि ये लड़की नताशा जिंदा है और इतने सालों से ये अपने ही घर से 5 मिनट की दूरी पर अपने बॉयफ्रेंड के घर की अलमारी में छुपकर रह रही थी क्योंकि इसे अपना बॉयफ्रेंड फैमिली से ज्यादा प्यारा था। तो क्या नताशा के लिए कहा जा सकता है, ओ माय गॉड, ट्रू लव।